हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली कमोडिटी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के जो फ्यूचर्स हैं वो यहाँ पर करंटली जिस तरह से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर वीकली ओवरव्यू एनालिसिस यहाँ पर हमें जो है क्या कह रहा है और यहाँ पर हमें जो है नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी जो है बनानी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम डेली बेसिस के हिसाब से जो चार्ट है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि और ये जो है सिग्निफाई क्या कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो डेली बेसिस के हिसाब से जो ट्रेंड के ऊपर यहाँ पर हमारा फोकस रहना चाहिए, जो अगर आप यहाँ पर हमारी वीडियोस देख रहे हो कंटिन्यूस बेसिस पर तो आपको पता हो ये जो प्राइस लेवल है 6784 का या फिर 6780 का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है एज अ रेजिस्टेंस लेवल की तरह जो है यहाँ पर मैं एक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। एज वेल एज यहाँ पर अगर डाउन साइड की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सपोर्ट लेवल की तरह ये जो प्राइस लेवल है माने कि 6060 का वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट वन वीक के लिए इस प्राइस बैंड के नीचे नहीं हुई है। अगेन यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया था, एज वेल एज यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सपोर्ट लिया था। हालांकि यहाँ पर जब डाउन ड्रॉप आया भी तब इंट्राडे में डेफिनेटली एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट भी हुआ है। दैट इज़ ऑलमोस्ट जो 6060 से लेके ऑलमोस्ट जो गिरावट है 100-200 पॉइंट की जो गिरावट है वो भी यहाँ पर मैं फॉलोअप होते हुए देखने को मिली है। तो यहाँ पर फॉर अ टाइम बिंग जो यहाँ पर सबसे बेहतरीन लेवल देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वीक के ट्रेडिंग करने के लिए स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं 6060 का प्राइस बैंड का। बिलो दैट प्राइस लेवल अगर यहाँ पर कैंडल्स मूव करना स्टार्ट करती है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट पोजिशन जो है डेफिनेटली यहाँ पर बनाई जा सकती है। एज वेल एज यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल जो है ऐसा सेकेंड सपोर्ट लेवल वी कैन हैव दैट इज़ 5830 का जो प्राइस लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर नेक्स्ट वीक यानी कि इस वीक के अंदर अगर समझ लीजिए 5830 का प्राइस बैंड जो है और यहाँ पर जो डाउन साइड के अंदर अगर ब्रेक हो जाता है सो मिनिमम बेसिस पर इंट्राडे के लिए 50 पॉइंट तक का जो टारगेट है वो यहाँ पर आप जो है मेंटेन कर सकते हो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस जो है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट आप यहाँ पर ले सकते हो। हालांकि यहाँ पर अपसाइड के अंदर की चांसेस जो है हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं यहाँ पर आज का सेशन माने कि मंडे का जो सेशन है अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज आर देयर कि यहाँ पर हमें जो है स्लोली एंड स्टेडली फिर से जो है अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सके। बट फॉर दैट यहाँ पर हमें जो है मंडे के सेशन का जो है इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह का जो है ट्रेंड जो है यहाँ पर हमें फॉलोअप होते हुए देखने को मिलता है। लॉन्ग पोजीशन के लिए जो एक अच्छा से टारगेट के हिसाब से यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हो और एकदम सिंपल ट्रेड के हिसाब से तो यहाँ पर जो है 6790 का अपसाइड के अंदर हम यहाँ पर जो है वेट कर सकते हैं। फॉर दैट आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये जो प्राइस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर ट्रेडिंग इन नेक्स्ट वीक। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ट्रेडिंग पर्पज से मददगार रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।